बंगले गणपत के बंगा चक गांव में गुड्डू नामक युवक अपने पिता से बार बार गुहार लगा रहा है कि पिताजी मुझे रहने के लिए घर दे दीजिए, हम अब कहां जाए। वहीं बेटे का कहना है कि माँ को आपने मार पीट के भगा दिया, लेकिन जुल्मी पिता राम ईश्वर का दिल नहीं पसीजा और पुत्र गुड्डू को अपनाने से इनकार कर दिया और वही दूसरी शादी कर लिया। मामला ये गुड्डू यादव का, गुड्डू यादव को पहले शादी का ये लड़का है, अच्छा ये दूसरी ला कर उसको पिताजी भगा रहा है, ये हमारा बच्चा नहीं है। अब पूरा गांव बोल रहा है जो यहाँ का बच्चा है। अच्छा वो मतलब राम ईश्वर इनको अपना हक नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ के रहने वाले? गंगा चक का। ये क्या मामला है गुड्डू यादव का? गुड्डू यादव यहाँ का लड़का हमारा राम ईश्वर का, इसका बकरा ईश्वर नहीं खा दे। जी जी हाँ, क्यों नहीं दे रहा? अच्छा क्यों नहीं दे रहा है? और नीचे दे तो का करिए, कह रहा जी 5 साल नहीं इसके बखरत हो रहा है। क्या ये गुड्डू यादव हैं जो प्रथम औरत की वो पति पिताजी हैं? उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनके पद के लिए देना चाहिए। तो गुड्डू यादव की शादी भी हो गई है क्या? नहीं उनकी शादी नहीं हुआ। उनके पिताजी की दूसरी शादी? पिताजी दूसरे वो मियाँ ही रख ली है। अच्छा अच्छा हाँ मियाँ ही। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललिता यादव। आप रामेश्वर के कौन हैं? चाचा लगेंगे और भाई लगेंगे। रामेश्वर के भाई हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? वो ये जो गंगा चक्र रहने वाले हैं। सर मेरे बाप ने आधार कार्ड बनवाए हैं, पैन कार्ड बनवाए हैं, वोटर आईडी बनवाए हैं, फिर भी हमको ईसा नहीं दे रहे हैं, भगा रहे हैं। गांव का सिग्नेचर भी है, पूरे गांव प्रधान राजी हैं और बोल रहे हैं पैसे ले लो 4-5 लाख रुपए, हम तुमको हिस्सा नहीं देंगे, ज़्यादा बोलेगे जान से मारूंगा, और कोर्ट से भी लड़ा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू यादव है, मेरा नाम पिता का नाम रामेश्वर यादव है। वो किस लिए भगा रहे हैं, क्या बात? तो मेरी माँ का पहली शादी हुआ था, मेरी माँ को भगा दिए मार ओर के, और दूसरी लड़की ले आके रखे हैं औरत गुजरात से। किस समुदाय के? मुस्लिम समुदाय के सर। उसकी हो गए 15-17 साल से रखे हैं लेकर, हमें 10-12 साल से आता हूँ, भगा देते हैं मार मार के, नहीं देते हैं लोग। अभी 5 साल से इसी गांव में रहता हूँ अपनी बड़ी मम्मी के पास। क्या करते हैं? कि वो नहीं रखने देते हैं। वो सूचना किसके किसके दी है? पूरे गांव वाले को दिया हूँ, पूरे गांव जानते हैं। किस अधिकारी के पास गए थे? हाँ सर गया था, SDM साहब के पास गया था, BDO साहब सिग्नेचर कराया और ADO साहब से कराया, कार्रवाई करके हमारा काम करे। तो सिक्योरिटी साहब गांव में गए, मीटिंग किए, पूरे गांव हमारे साथ थे, फिर भी सिक्योरिटी साहब नाम नहीं डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कोर्ट का मामला है हम नहीं डालेंगे। सिक्योरिटी साहब क्या कह रहे हैं? कोर्ट का मामला है हम नहीं डालेंगे। तो साहब हम गरीब आदमी हैं, कोर्ट से कैसे लड़ सकते हैं? तो कोर्ट में से भी कुछ फैसला आया क्या? नहीं साहब कुछ नहीं हुआ अभी तो। क्या चाहते हैं सर? मेरा हिस्सा दिला दीजिए सर।